हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मालूम करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर के लाभ क्या है और माइक्रो प्रोसेसर आने से हमारे लोको से कौन कौन से रिले को रिमूव कर दिया गया और कौन कौन से रिले अभी अवेलेबल है और कौन कौन से फ्यूज को निकाल दिया गया और कौन से फ्यूज को ऐड किया गया। यदि माइक्रो प्रोसेसर का मेन यूनिट काम ना करे तो इसका क्या प्रॉब्लम होगा और उसका ट्रबल शूट कैसे करेंगे। अभी तक माइक्रो प्रोसेसर के कितने वर्सन अवेलेबल है और कौन कौन से रिले को माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा हम आइसोलेट कर सकते हैं, आइसोलेट करने का प्रक्रिया क्या है और कोई रिले वेज है तो उसे रिमूव कैसे करेंगे, ये हम लाइव डिस्प्ले से देखेंगे। ये सभी के बारे में मालूम करेंगे, इसलिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन शुरू से अंत तक देखने से माइक्रो प्रोसेसर संबंधित सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। हमारे YouTube चैनल कुशवाहा जी रेलवे को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के लिए। तो आइए माइक्रो प्रोसेसर संबंधित सारे जानकारी मालूम करते हैं। पहले माइक्रो प्रोसेसर का लाभ मालूम कर लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आने से ट्रबल शूटिंग बहुत ही आसान हो गया और ये ज्यादा विश्वसनीय भी है। माइक्रो प्रोसेसर सभी कंट्रोल सर्किट का इंटरनल सिस्टम को मॉनिटर करता है। इसके आने से लोको पायलट का स्ट्रेस भी कम हो गया। इसके माध्यम से हम लोको में होने वाले सभी प्रॉब्लम को आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसके द्वारा हमें ट्रिपिंग फेल्योर, ट्रैक्शन फेल्योर्स का डायरेक्ट मैसेज प्राप्त कर सकते हैं और उसका आगे ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। तो आइए मालूम करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर आने से हमारे लोको में कौन कौन से रिले को रिमूव कर दिया गया है। ये मालूम होना जरूरी है, नहीं तो हम लोको में खोजते रह जाएंगे और ये रिले मिलेंगे भी नहीं। तो रिमूव होने वाले रिले है Q20, Q30, Q44, Q45, Q46, Q48, Q49, Q50, Q51, Q52, QV60, QV61, QV62, QV63, QV64, Q100, QTD105, QTD106, Q119, QWC, QCVR, PR1, PR2, QRS2 और SIB लोको में QSIT और QCON भी निकाल दिया गया है। यानी बहुत सारे रिले को निकाल दिया गया है। ये सभी रिले का वर्किंग माइक्रो प्रोसेसर खुद देख लेता है। इन कौन कौन से रिले है ये मालूम कर लेते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर लोको में रिले आप देखेंगे तो QOA, QOP1N2, QLM, QRSI1N2, QLA, QTD1 और QTD2, QPH, QVMT1N2, QVSI1N2, QVSL1N2, QPDJ और QVRF, ये सभी रिले अवेलेबल हैं। माइक्रो प्रोसेसर लोको में ये रिले हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ फ्यूज जो है वो भी निकाल दिया गया, रिमूव फ्यूज। रिमूव होने वाले फ्यूज है CCA, CCLSA, CCLS और CCDJ। ये फ्यूज है जिसे कि निकाल दिया गया है। लेकिन ऐड किया हुआ फ्यूज है वो है CCCPU। ये माइक्रो प्रोसेसर के लिए है फ्यूज, इसको लगाया गया, ये 6 एम्पियर्स का, जो कि माइक्रो प्रोसेसर का एक कंट्रोलिंग फ्यूज करता है। हमारे लोको में यदि माइक्रो प्रोसेसर का मेन यूनिट काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, ये मालूम कर लेते हैं। मेन यूनिट नॉट वर्किंग, अगर मेन यूनिट काम नहीं करेगा तो इसका इंडिकेशन होगा पायलट लैंप नहीं चलेगा, यानी कि कोई भी पायलट लैंप नहीं चलता है। सेकेंड, डिस्प्ले में मैसेज नहीं आएगा, यानी कि डिस्प्ले का लाइट भी बंद हो जाएगा, कुछ भी मैसेज शो नहीं करेगा। और तीसरा प्रॉब्लम होगा, लोको एनर्जाइज नहीं होगा। तो इसका ट्रबल शूट कैसे करेंगे मालूम करते हैं। पहले BA वोल्टेज देखेंगे, BA वोल्टेज अबव 90 डिग्री होना चाहिए। और फिर फ्यूज चेक करेंगे, फ्यूज में CCBA फ्यूज गुड होना चाहिए, CCPT भी अच्छा होना चाहिए और CCCPU गुड कंडीशन
में होना चाहिए। ये तीनों फ्यूज अगर कोई भी मेल्ट हो गया तो माइक्रो प्रोसेसर काम नहीं करेगा, उसको सप्लाई नहीं जाएगी, कोई मैसेज भी नहीं आएगा। अगर ये कोई भी फ्यूज मेल्ट हुआ तो दूसरा चेंज करेंगे, अगर उसके बाद भी मेल्ट हो रहा है तो होबा को ऑफ करके चेंज करेंगे। इसके बाद भी यदि सफलता नहीं मिलती है तो HBA को ऑफ करेंगे, HBA ऑफ एंड ऑन करेंगे, 3 मिनट के लिए ऑफ करेंगे। इस प्रकार हम इसका ट्रबल शूट करेंगे। अब इसके बारे में मालूम करते हैं कि अभी कितने वर्सन अभी तक आ गए हमारे लोगों में यूज हो रहे हैं। तो अभी माइक्रो प्रोसेसर का 3 वर्सन यूज हो रहा है। अब मालूम करते हैं कि हमारे इतने रिले को रिमूव किया गया तो क्या कोई ऐसा रिले भी है जिसे कि हम आइसोलेट कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से। तो माइक्रो प्रोसेसर में 4 रिले हैं जिसे कि हम आइसोलेट कर सकते हैं। वो 4 रिले है Q50, QCON, QCVR और Q118। 4 रिले को ही हम आइसोलेट कर सकते हैं, वो भी वर्सन 1 और 2 में वो भी रिले को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, ओनली वर्सन 3 में ये रिले को आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन ये आइसोलेट करने का कुछ तरीका है, अगर आवश्यकता पड़े तो इस रिले को कैसे आइसोलेट करेंगे और इसे कैसे रिमूव करेंगे वो हम लाइव अभी देखेंगे डिस्प्ले के माध्यम से। डिस्प्ले यूनिट देख रहे हैं, ये मेधा माइक्रो प्रोसेसर का डिस्प्ले यूनिट है। इसमें सारे फंक्शन आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट हम इसमें मेन मेनू के नीचे जो 1 बटन है उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही हमारे डिस्प्ले यूनिट में इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। हम फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे कर्सर के द्वारा और उसके बाद इंटर बटन को दबाएंगे। डायग्नोस्टिक सेलेक्ट करने के बाद हम आइसोलेट एंड वेजिंग स्टेटस में जाएंगे और वहाँ उसको इंटर करने से हमारे डिस्प्ले स्क्रीन में इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि Q118, QCVR, QCON और Q50 नॉट वेज बता रहा है, लेकिन हम इसे सेलेक्ट करके जो भी रिले आइसोलेट करना है उसे हम सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे कर्सर को लेके जाएंगे जिससे कि येलो एरो ब्लिंक होने लगेगा। अब हम प्रेस करेंगे 1 बटन। 1 प्रेस करने से टेम्पररी वेज हो जाएगा, अगर परमानेंट वेज करना है तो 2 प्रेस करेंगे जिससे कि रिले परमानेंट आइसोलेट हो जाएगा, वेज हो जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि परमानेंट रिले वेज करने का मतलब क्या है, टेम्पररी वेज करने का मतलब क्या है, तो ये भी मालूम कर लेते हैं। टेम्पररी वेज करने का मतलब है कि डीजे जब तक क्लोज रहेगा तब तक ही रिले वेज रहेगा, यानी कि न्यूट्रल सेक्शन में आप डीजे ओपन कर दिए या नो टेंशन आ गया या किसी भी कारणवश डीजे ओपन हो गया या डीजे ओपन करते हैं तो ये रिले फिर से सर्विस में आ जाएगा, इसे हम टेम्पररी वेज करना बोलते हैं। और परमानेंट वेज करने का मतलब है कि जब तक आप HBA को ऑफ नहीं करिएगा तब तक ये रिले वेज में रहेगा। जब HBA कभी भी किसी कारणवश ऑन ऑफ करते हैं तो ये रिले फिर से सर्विस में आ जाती है। यदि कोई रिले वेज है तो इसे रिमूव कैसे करेंगे इसके बारे में मालूम कर लेते हैं। रिले वेज है तो रिमूव कैसे करेंगे, यदि Q50 रिले वेज है तो हम 7 नंबर बटन को प्रेस करेंगे, 7 के द्वारा इसे रिमूव कर सकते हैं रिले वेज को। यदि QCON रिले वेज है तो 8 नंबर बटन को प्रेस करेंगे जिससे कि रिले सर्विस में आ जाएगा। यदि QCVR रिले वेज है तो हमें इसे रिमूव करने के लिए 9 बटन को प्रेस करना है जिससे कि रिले रिमूव हो जाएगा। यदि Q118 रिले वेज है तो इसे रिमूव करने के लिए 0 बटन को प्रेस करेंगे जिससे कि ये रिले सर्विस में आ जाएगा। इस प्रकार हम रिले को वेज करेंगे और रिमूव करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मालूम कर लेते हैं, हमारे लोको में EM कंटेक्टर का अर्थ फॉल्ट मैसेज आए तो माइक्रो प्रोसेसर के मेन यूनिट के राइट साइड कवर को ओपन करेंगे और MCB को रीसेट करेंगे। दूसरा कोई फॉल्ट आया तो इंटरनल फॉल्ट फॉर MPCS माइक्रो प्रोसेसर, तो वैसे कंडीशन में रेड पुश बटन को प्रेस करेंगे। अब हम आशा करेंगे कि आपको माइक्रो प्रोसेसर संबंधित सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।